नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब चैनल दरभंगा लाइव न्यूज। खबरों के साथ मैं रवि कुमार गुप्ता। सबसे पहले हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक है रील पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट एट लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020, बेस्ट फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। अब करवाएं अपनी बिटिया का एडमिशन होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। करे सुबह उठकर जिम, रखे अपने आप को फिट। डीवा फिटनेस पॉइंट, लेडीज जिम, मोगलपुरा, GN गंज, दरभंगा। 629 प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों में आज 17,953 श्रमिक अभी भी आवासित हैं। मेयर दरभंगा ने वार्ड नंबर 24 एवं 25 के PWD रोड का किया शुभारंभ। कोविड पोर्टल पर 55,000 से अधिक मजदूरों का निबंधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क जरूर पहने एवं दूसरे को भी प्रेरित करें। लॉकडाउन में नेपाल के फंसे 9 लोगों को आज विदा किया गया। अब खबरें विस्तार से। 629 प्रखंड क्वारंटाइन केंद्र में आज 17,953 श्रमिक अभी भी आवासित हैं। सभी श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। प्रखंड क्वारंटाइन में 14 दिन पूरे होने वाले को घर भेजा गया। दरभंगा में प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंड मुख्यालयों में आज भी 629 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील है। इसमें कुल 17,953 प्रवासी मजदूर अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। इसमें दरभंगा सदर प्रखंड के 5 क्वारंटाइन सेंटर में 203 लोग आवासित है। वहीं नगर क्षेत्र के 6 क्वारंटाइन सेंटर में 250 लोग, बहादुरपुर प्रखंड के 44 क्वारंटाइन सेंटर में 1,345 लोग, हायाघाट प्रखंड के 8 क्वारंटाइन सेंटर में 42 लोग, हनुमान नगर प्रखंड के 14 क्वारंटाइन सेंटर में 826 लोग, जाले प्रखंड के 51 क्वारंटाइन सेंटर में 2,734 लोग, सिंहवाड़ा प्रखंड के 47 क्वारंटाइन सेंटर में 556 लोग, केवटी प्रखंड के 38 क्वारंटाइन सेंटर में 914 लोग, बहेड़ी प्रखंड के 63 क्वारंटाइन सेंटर में 3,066 लोग, मनीगाछी प्रखंड के 45 क्वारंटाइन सेंटर में 1,360 लोग, तारडी प्रखंड के 14 क्वारंटाइन सेंटर में 697 लोग, बेनीपुर प्रखंड के 47 क्वारंटाइन सेंटर में 1,390 लोग, अलीनगर प्रखंड के 46 क्वारंटाइन सेंटर में 941 लोग, बिरौल प्रखंड के 70 क्वारंटाइन सेंटर में 1,507 लोग, गौड़ावराम प्रखंड के 31 क्वारंटाइन सेंटर में 1,185 लोग, घनश्यामपुर प्रखंड के 23 क्वारंटाइन सेंटर में 1,249 लोग, किरतपुर प्रखंड के 11 क्वारंटाइन सेंटर में 295 लोग, कुशेश्वर स्थान प्रखंड के 45 क्वारंटाइन सेंटर में 990 लोग एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 23 क्वारंटाइन सेंटर में 185 लोग आवासित है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को क्वारंटाइन केंद्रों में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों को भेजने, आवासन और चिकित्सा सुविधाएँ 14 दिन तक जारी रखने का निर्देश दिया है। आज दरभंगा की महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने वार्ड नंबर 24 और 25 में आज रामाशंकर के घर से सिरजा मार्केट PWD तक जाने वाले रोड के कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। महापौर ने विभाग को आदेश दिया है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि बारिश के समय यहां के लोगों को परेशानी ना हो। इस रोड के निर्माण में लगभग 40 लाख रुपए की लागत आएगी। महापौर ने यहां के लोगों से भी आग्रह किया कि सड़क बनाने में योगदान दें। महापौर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस रोड को बनाए और घर में सुरक्षित रहे। महापौर के साथ पार्षद डब्बू खान, पूर्व पार्षद साहिब रब, पार्षद अजय जलान, सोहन यादव, शशि पटेल आदि उपस्थित थे।
कोविड पोर्टल पर 55,000 से अधिक मजदूरों का निबंधन, स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही कार्रवाई, कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों से जिले में वापस लौटे प्रवासी कामगारों के हुनर की पहचान करने हेतु डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। प्राप्त सूचना अनुसार दरभंगा जिला में अब तक 55,326 प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन पूर्ण हो गया है। इसमें प्रखंड क्वारंटाइन में ठहरे हुए 49,376 प्रवासी, पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन में 2,659 एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गए 3,291 कामगार शामिल है। कोविड पोर्टल पर निबंधित हुए दरभंगा जिला के मजदूरों में से 25,951 ऐसे मजदूर हैं जो विभिन्न कंस्ट्रक्शन कार्य से संवृद्ध कुशल कामगार है। इसमें राजमिस्त्री का काम करने वाले 1,637, गेट ग्रिल बिल्डिंग मैकेनिक 140, फ्लर टाइल्स मैकेनिक 322, सेटरिंग मैकेनिक 334, फैब्रिकेशन मैकेनिक 372, प्लम्बर फीटर 276, पेंटर 385, बढ़ई 85, लोहार 120, महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर 69 है। ये सभी कुशल कामगार है। इसमें से 60 से अधिक महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन सबसे कारगर तरीका है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने रहने से कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। मास्क पहनने हुए व्यक्ति को संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है, इसलिए सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब मास्क का पर्याप्त मात्रा में निर्माण हो रहा है। जीविका समूह द्वारा भी बड़ी मात्रा में मास्क का निर्माण किया जा रहा है। इससे जीविका स्वयं सहायता समूह से आय में वृद्धि भी होगी। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी परिवारों को 100 रुपया मूल्य के अंतर्गत 4-4 मास्क एवं साबुन मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों के बीच भी शीघ्र चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित की जाए। लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने से घनश्यामपुर में फंसे 9 नेपाली लोगों को बुधवार को आज प्रशासनिक स्तर से नेपाल भेजा गया। दरअसल लॉकडाउन से पहले 9 लोग नेपाल से जमात के काम से दरभंगा आए थे, जिसके बाद लॉकडाउन होने के कारण सभी को प्रशासन की ओर से घनश्यामपुर प्रखंड के ब्रह्मपुरा गाँव के मध्य विद्यालय मकतब में क्वारंटीन किया गया था। साथ ही प्रशासनिक स्तर से इन सभी को हर सुविधा प्रदान की जा रही थी। आला अधिकारियों के आदेशानुसार घनश्यामपुर के अंचलाधिकारी दीनानाथ कुमार ने सभी को सरकारी बस के द्वारा उनके घर रवाना किया। विदाई से पहले गांव वाले ने सभी जमातियों से मुलाकात की और सभी जमातियों को तोहफा भी दिया, जिसके बाद नम आँखों से गाँव के लोगों ने सभी को रवाना किया। इस मौके पर विद्यालय के HM जुनेद आलम, जियाउल हक, फैजियाउद्दीन फैज, फैजान आलम, जुगनू आदि लोग मौजूद थे। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।